तो मैं दोबारा बता देती हूँ न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए कि हमने क्या किया था कल। हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर यहाँ पे फाइल में न्यू पे जाके और यहाँ पे हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे तो हमारी एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर हमारा ASP.NET वेबसाइट है, ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट है, तो हम सबसे पहले एम्प्टी वेबसाइट लेंगे और यहाँ पे जो भी हमें वेबसाइट का नाम लिखना है वो हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको चेंज कर देंगे और यहाँ पे ओके पे करेंगे तो हमारी एक ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमने ये वेब विद HTML के नाम से एक वेबसाइट बनाई है। इसके अंदर कल हमने एक बनाया था डिफॉल्ट HTML पेज, तो ये हमारा है डिफॉल्ट HTML पेज। यहाँ पे हमने कल किया था, बहुत सिंपल चीज़ें की थी। सबसे पहले हमने एक टाइटल बनाया था, यहाँ पे हमने इस पेज का टाइटल दिया था, यहाँ पे ये हमारा टाइटल है। उसके बाद हमने एक हेडिंग टैग दिया था H1, उसके बाद पैराग्राफ, ये था हमारा हाइपरलिंक के लिए। उसके बाद है हमारा इमेज टैग, उसके बाद हमने लिया था ये ASP का बटन। अगर हम HTML में लेते हैं तो सिंपली हम बटन लिखते हैं, बट यहाँ पे हमारा ASP का टैग है ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया ASP बटन। उसके बाद हमारा है H1 टैग, और इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था कल, स्टाइल जो है वो यूज़ किया था। स्टाइल के अंदर हमने जो कलर है, ये कलर किसके लिए होता है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स को कलर देने, टेक्स्ट को कलर देने के लिए। जो हमारा हेडिंग टैग है उसका जो टेक्स्ट होगा वो किस कलर का होगा, तो यहाँ पे ये ग्रीन लिखा हमने तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर में शो होगा। उसके बाद हमारा सिक्स टाइप के होते हैं हमारा हेडिंग टैग, H1, H2 से लेके H6 तक। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग लिया था, और उसके बाद अंडर ऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, टू टाइप्स की लिस्ट होती है हमारी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। आज हम नेक्स्ट करते हैं कि आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैंने बता दिया कि कल हमने क्या किया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। उसके बाद अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आज बिगर हेडिंग से, तो यहाँ पे अगर हमें हेडिंग, मतलब अगर हमें हेडिंग में थोड़ा सा हमें फॉन्ट ज़्यादा चाहिए, इसको इसका साइज अगर हमें थोड़ा ज़्यादा करना है, H1 तो नॉर्मल वैसे होती है, बट अगर इसका फॉन्ट अगर हमें थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पे हम फॉन्ट बोलेंगे, स्टाइल में फॉन्ट ले लेंगे, और ये हमारे कितना हो जाएगा, 60 पिक्सल हिसाब से हो जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे इसको लेते हैं, यहाँ पे हम इस पे गए, और हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बात कर देते हैं इसको, या फिर एक नया वेब पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमने किया ऐड न्यू आइटम, ये हम नया पेज जो है ऐड कर रहे हैं।
हमारे इस वेबसाइट के अंदर। टाइम लेता है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे हमने वेब फॉर्म सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने हमें अगर इस वेब पेज का नाम चेंज करना है तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम नाम रखेंगे HTML क्लास 2। ये हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हमें सिंपली हेडिंग टैग लेना है और इसके अंदर हमने क्या किया, स्टाइल लिया। यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने लिया 60 पिक्सल। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग 1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर पर रन करने के लिए हमने व्यू इन ब्राउजर किया था। यहाँ पे आ गया हमारा हेडिंग 1। ओके, तो आप सबको डिस्प्ले हो रहा है। ये आ गया हमारा। अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं, हमने 30 पिक्सल कर दिया, हमने किया 30 पिक्सल। यहाँ पे हमने सेव किया, ब्राउजर पे गए और यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। हमें बार बार रन व्यू इन ब्राउजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम वहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देंगे इस पेज को। तो ये अब हमारी हेडिंग जो है छोटी हो गई है, हेडिंग 1। हैं मान लिया कि हमें फॉन्ट फैमिली जो है एरियल चाहिए, तो हमने यहाँ पे से क्या सिलेक्ट किया, एरियल। ठीक है, तो ये हमने एरियल सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा जो फॉन्ट है वो क्या आएगा, एरियल फॉन्ट आएगा। तो हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एरियल फॉन्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर हमें फॉन्ट चाहिए तो हम यहाँ पे ही फॉन्ट फैमिली में जाके और यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कोई और चाहिए हमें, हमने कोई और ले लिया। यहाँ पे हमने अगर वैसे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, एक इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम गए, रिफ्रेश किया हमने, तो ये हमारा कोई और फॉन्ट आ गया। ओके, तो यहाँ तक फॉन्ट फैमिली तो क्लियर हो गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं हम टेक्स्ट साइज। अब हमारा टेक्स्ट साइज क्या है, हमारा टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने हेडिंग लिया। तो यहाँ पे हमने जो CSS में हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करा हमने, परसेंटेज के हिसाब से किया, 300% चाहिए हमें का फॉन्ट साइज जो है। तो ये हमारा जो फॉन्ट साइज है वो किस में आएगा, 300% में आ जाएगा। करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो यहाँ पे हमने किया Ctrl+S और यहाँ पे हमने किया रिफ्रेश। देखते हैं अब हमारा जो साइज है वो क्या है, जो ये है हमारा, इसका साइज जो है और बड़ा हो गया, 300% शो हो रहा है। ये हमारी हेडिंग थी, H1 हेडिंग ये थी हमारी, और 300% में हमें ये दिखेगा। ओके, तो हमारा H1 टैग में हमारा 300% हो गया और जो पैराग्राफ है वो हमारा कितना है, 160% था।
उसके बाद हमारा क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये क्या है हमारा, टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट अलाइन करना है, यानी कि हमें सेंटर में करना है या फिर हमें लेफ्ट में लेना है, तो वो हमें कैसे लेना है, जो टेक्स्ट है वो हमें डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसको हमने ले लिया, यहाँ पे हमने कंट्रोल भी किया, वो कर दिया रन इसको, कोई नहीं। ये हो गया हमारा, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आया, सेंटर में। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे अगर हम लेफ्ट लिखते हैं, अलाइन यहाँ पे कर देते हैं हम, क्या अगर हमने लेफ्ट किया तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट करके देखते हैं तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन सॉरी, तो यहाँ हमारा कहाँ पे आएगा, राइट में आ जाएगा। ये हो गया हमारा राइट अलाइन। मे बी यहाँ तक क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसके बाद हम टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेट कौन कौन से डाल सकते हैं, ये हमारा क्या है, सबसे पहले होता है हमारा B, ये होता है हमारा बोल्ड टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, कई बार हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारे बीच में क्या आता है, थोड़ा सा मतलब हाईलाइटेड टेक्स्ट आता है, कि जो जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे को कुछ स्ट्रॉन्ग उसमें टेक्स्ट में दिखती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे। आई हमारे किस लिए है, इटैलिक के लिए, अगर हमें इटैलिक टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए हम आई टैग लेंगे। ईएम हमारा है एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए, मतलब अगर हमें कुछ चेंज करना है टेक्स्ट में, कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ एम्फेसाइज करके चाहिए हमें टेक्स्ट को, जिससे हमें लगे कि हाँ भाई नहीं ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ईएम टैग लेंगे। उसके बाद है मार्क। मार्क का मतलब क्या हुआ, कि जैसे हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं वैसे ही यहाँ पे मार्क से हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्मॉल। स्मॉल मीन्स कि अगर हमें हमने कोई हेडिंग डाली उसके अंदर हमें एक जो है वो टेक्स्ट जो है उसका साइज जो है वो थोड़ा सा स्मॉल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल टेक्स्ट लेंगे। और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट है हमारा DEL, ये होता है हमारा डिलीट टेक्स्ट, यानी कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को डिलीट करना है उस टाइम पे तो हमारा क्या होगा, डिलीट टेक्स्ट होगा। उसके बाद है हमारा इंसर्ट टेक्स्ट, कुछ इंसर्ट करने के लिए, कोई टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, INS टैग लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे SUB का मतलब हुआ हमारा सब, यानी कि सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे हम O2 यूज करते हैं, O लिखते हैं और उसके बाद 2 लिखते हैं, तो मतलब क्या होता है, 2 जो है हमारा कहाँ आता है, नीचे आता है। जैसे हमने सेकंड लिखते हैं, हम सेकंड लिखते हैं तो सेकंड में हमारा जो आता है, जैसे हमने यहीं पे लिखा, मे बी इसमें शायद होता है, सेकंड लिखा मैंने, तो ये हमारा ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सुपरस्क्रिप्ट का। अगर हमें हमें नीचे लिखना है तो यहाँ पे हमारा थर्ड भी ऊपर ही होगा, O2 करके देखते हैं हम, O2। मे बी इसमें नहीं होगा, ऐसे हम O2 लिखते हैं तो O2 में हमारा जो 2 है वो कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होती हैं, तो इसको यूज़ करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा है बोल्ड। बोल्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया था, बी टैग। तो यहाँ पे हम ये लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारा ये है, ये क्या है, हमारा टेक्स्ट बोल्ड में आ रहा है, ओके। तो ये हमारा, अगर हमने खाली इसको लिया, मान लिया बोल्ड में, इसको हमने यहाँ से हटा दिया,
और हम मान लेते हैं इसको इज बोल्ड चाहिए हमें, खाली बोल्ड चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और अब देखते हैं तो खाली हमारा जो बोल्ड है वो खाली किसमें आएगा, बोल्ड में आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा टेक्स्ट आया इसके अंदर हमारा क्या हुआ, ये जो है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो यहाँ पे हमारा ये बोल्ड में आ गया। क्लियर है? क्लियर हुआ बोल्ड यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अभी हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट किस लिए होता है, मैंने बताया था कि जैसे हम कुछ भी कोई भी पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं उस टाइम पे हमारे क्या होता है, कुछ जो टेक्स्ट होते हैं वो थोड़े से बोल्ड दिखते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये वाला जो टेक्स्ट है वो किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग में आएगा। करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, तो ये सारा का सारा किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग में। वही सेम अगर हम यहाँ पे खाली स्ट्रॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा खाली स्ट्रॉन्ग जो है वो किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग में आएगा। अगर हमने यहाँ पे इसको जो वैसे एग्जांपल हमारा कैसे आ रहा था, एग्जांपल हमारा विदाउट मतलब स्ट्रॉन्ग में नहीं आ रहा था हमारा, यहाँ पे ये जो है हमारा एग्जांपल, ये हमारा स्ट्रॉन्ग में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद है हमारा स्मॉल एम्फेसाइज का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट है वो उसका जो फॉर्मेट है वो लिखने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको भी करके देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे हमने ईएम टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये क्या आ रहा है, ये टेक्स्ट हमारा आ रहा है एम्फेसाइज में। आ गया हमारा दिस इज अ पैराग्राफ, और ये नीचे है दिस टेक्स्ट इज, दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड। तो ये हमारा जो है दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड आ रहा है, तो इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, ये थोड़ा सा इटैलिक में दिख रही है। उसके बाद है हमारा स्मॉल टेक्स्ट, उसके बाद हमारा स्मॉल टेक्स्ट। तो स्मॉल टेक्स्ट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो हमारा सारा का सारा फॉन्ट तो ठीक लग रहेगा, अगर जहाँ पे हमने स्मॉल वो लगाया है, टैग लगाया है, वहाँ पे हमारा जो है ये टैग जो है, ये जो है यहाँ पे ये जो स्मॉल लिखा हुआ है, ये जो चीज है ये हमारी कैसे होगी, स्मॉल में लिखेगी। यहाँ पे ब्राउज करते हैं हम, तो ये जो है हमारा स्मॉल जो है यहाँ पे स्मॉल में दिख रहा है, और HTML फॉर्मेटिंग हमारा जो है वो बड़े में। इसके बाद क्या है हमारा मार्क, यहाँ पे हमारा मार्क टेक्स्ट क्या है,
थोड़ा सा जैसे हम हाइलाइटर से हाइलाइट करते हैं वैसा शो होगा इसके अंदर। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या है, जैसे हम हाइलाइटर से शो करते हैं तो ये हमारा हाइलाइट हो गया, इनके ये मार्क हो गया। तो यहाँ पे हमारा मार्क जो है ये इसमें आ रहा है, हाइलाइटेड आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अगर हमें कोई टेक्स्ट को जो है डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिलीट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर इसको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये क्या है, द डिलीट एलिमेंट रिप्रेजेंटेड डिलीटेड रिमूव्ड टेक्स्ट। और यहाँ पे जो DEL है, ये जो टैग है हमारा, यहाँ पे जो ये ब्लू है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लू है ये क्या हो रहा है, डिलीटेड। मतलब जैसे हम डिलीट कर देते कोई भी लाइन को, कट कर देते हैं, वैसा डिस्प्ले हो रहा है ये जो है। ओ यहाँ पे हमारा ये क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट में हमारा क्या होगा, एक कुछ इंसर्ट करना है हमारा, उसके लिए यूज करेंगे हम। तो इसके अंदर हमारा नीचे लाइन आ जाएगी। ये आ गया हमारा। यहाँ पे जो माय फेवरेट कलर है, कलर के नीचे हमारा क्या आ गया, एक लाइन आ गई कि हमने जो इंसर्ट किया है वो क्या किया है, इंसर्ट कलर इंसर्ट किया है। ओके कि आगे बढ़ते हैं हम। इंसर्ट हो गया हमारा। उसके बाद है सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट का मैंने बताया था कि हम हमारा इसके नीचे वो आ जाएगा लिखा हुआ। तो हम करते हैं, इसको करके देखते हैं, रिफ्रेश करना। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये देखो यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट क्या हो रहा है, ये जो है दिस इज टेक्स्ट, ये तो हमारा ऊपर है, बट ये क्या जो सब्सक्रिप्ट लिखा, सब्सक्रिप्टेड लिखा हुआ है वो हमारा कहाँ है, नीचे है। तो अगर हमें कोई चीज नीचे लिखनी है तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट का, सॉरी सब्सक्रिप्ट का यूज करते हैं। अगर हमें अब उसको ऊपर चाहिए, हम चाहते हैं कि वो ऊपर दिखे, तो हम क्या यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट का एग्जांपल है, इसके अंदर हमारा ये सुपर स्क्रिप्ट की तरह शो होगा। तो ये है हमारा सुपर स्क्रिप्टेड। तो इसके अंदर हमारा कहाँ पे हो रहा है, जैसे मैंने भी सेकंड के लिए का दिखाया था, तो सेकंड में क्या हो रहा था, टू नीचे, टू हमारा बराबर में था और एनडी ऊपर चढ़ गया था। तो ऐसे ही हमारा इसमें सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं हम कलर पे। अब अगर हमें कलर यूज करने हैं तो उसके लिए हमारे, हम कलर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर है,
जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, टमाटो, ये होता है हमारा ऑरेंज, ये होता है हमारा डॉजर ब्लू, ये हो गया हमारा मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, यहाँ पे स्लेट ब्लू, वायलेट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर हमें कलर यूज करने हैं तो उसके लिए हम कलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में चाहिए कलर अगर, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया, उसके अंदर हमने किया कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एच वन टैग में हमने क्या किया, यहाँ पे एच वन स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, अभी कलर नहीं चेंज होगा, हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, यानी कि जो हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड होगा वो चेंज हो जाएगा, और वो किस कलर में हो जाएगा, वो इस कलर करके देखते हैं। ये हमारा कैसा हो गया, यहाँ पे हमने टमाटो लिखा था, तो ये हमारा इस कलर में टमाटो कलर में चेंज हो गया। मोस्टली टमाटर का कलर ऐसा ही होता है, आते तो पीले हरे भी आते हैं, बट नॉर्मली हम टमाटर का कलर इसको हो जाता है। तो ये हमारा है, नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर जो भी यूज किए थे वो सारे के सारे हम कलर ले लेते हैं एक ही बार में, ताकि हमारा वीडियो जो ज़्यादा ज़्यादा लंबा ना हो, हम ज़्यादा सीख सकें। तो अब हम इसके अंदर यूज़ करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे कलर आ गए हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है, टमाटो, ऑरेंज। तो ये आजकल जो है ये कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं हमारे वेब पेजेस वगैरह, वेबसाइट वगैरह क्रिएट करने में। तो ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर थे। तो आज इतना ही करते हैं।